राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं संजीव सिंह। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। रात दिन 24 घंटे घर बार छोड़ भारत की बेटी असम के करीमगंज जिले के लाठी टीला भारत बांग्लादेश सीमा की पहरेदारी पर तैनात। स्वाधीन भारत में देखा जाए तो विभिन्न क्षेत्र में आज भी बेटियों को एक बोझ माना जाता है, लेकिन फिर भी कुछ बेटियां ऐसा भी हैं जो मौजूदा वक्त के एक बड़ी शक्ति होने के साथ साथ आत्मनिर्भर भारत के गर्व भी बन खड़ी हुई हैं। यूं तो ज्यादातर लोगों का मानना है कि सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के संचालन देश भर में पुरुष ही करते हैं, लेकिन हम आज बात करेंगे असम के करीमगंज जिले के भारत बांग्लादेश सीमांत इलाके के लाठी टीला में भारत की बेटी आत्मनिर्भर भारत के पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर बेटियां भी सरहद पर अपने पराक्रम और शौर्य पर खड़ी उतरी हैं। देश के सरहदों पर बीएसएफ महिलाओं की मौजूदगी दुश्मन पर मानो हाहाकार मचा रखी है। पूरे देश सहित असम राज्य के सीमा पर महिला प्रहरियों के शौर्य पर आज सभी गर्वित हैं। सीमांत पर महिला प्रहरियों के पराक्रम देख दुश्मन भी कांप उठते हैं। असम के भारत बांग्लादेश सीमा पर बीएसएफ महिलाओं की मौजूदगी मानो दुश्मनों के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है। महिला जवान भी हमारी पोस्टों में हैं और एरिया के हिसाब से हमने उनको टास्किंग कर रखा है। उनका बेसिक काम है जो आपके गेट मैनेजमेंट के लिए हम लगाते हैं, जब ये फेंसिंग के आगे जो खेती होती है उसके लिए उनको जो आगे हमारी फीमेल जो मेंबर्स हैं जो यहाँ की वो जाती हैं जब आगे तो उनकी चेकिंग के लिए रखा गया है। इसके अलावा भी गेट मैनेजमेंट के अलावा भी उनका बहुत से टास्किंग है और उनकी ड्यूटी सेम है जैसे हमारा मेल काउंटर पार्ट करता है वैसी ड्यूटी वो देते हैं, उनके लिए उसमें कोई फ़र्क नहीं है और वो उसी जोश के साथ उसी लगन के साथ वो ड्यूटी दे रही हैं और कंधे से कंधा मिला के हमारे जवानों के साथ जो भी उनको टास्क मिलता है उनको पूरा करते हैं। और जिम्मेवारियों के बारे में मैं कहना चाहूँगा कि एक राहत इंदौरी साहब का एक शेर है कि रात की धड़कन जब तक जारी रहती है टूटे नहीं है, जिम्मेवारी है। घुसपैठ से लेकर विभिन्न अवैध तस्करी के रोकथाम में देश की यह बेटियां दुश्मनों की नींद तक उड़ा दी हैं। सीमांत सुरक्षा बल की महिला शाखा एक ऐसी योद्धाओं में से है जो अपने जीवन के आखिरी सांस तक सीमा पर अपने कर्तव्य पालन करती हैं। सबसे तेज शक्तिशाली और सतर्क होने के साथ साथ आत्मनिर्भर भारत के पराक्रम और शौर्य है बीएसएफ महिला शाखा। ड्यूटी करते समय मन में सबसे पहले देश भावना समझ में आती है, देश के प्रति गर्व महसूस होता है और मैं भगवान का शुक्रिया अदा करती हूँ कि भगवान ने मुझे मेरे जीवन में देश की सेवा करने का मौका दिया। यह महिलाएं देश की सीमा पर घुसपैठियों का काल माना जाता है। सीमा पर तैनात महिला शाखा की दस्तक दुश्मनों की होश उड़ा देती है। इनके हिम्मत और साहस देखकर पूरा देश आज गर्वित है। हाथों में हथियार लेकिन सीमांत में तैनात बीएसएफ की महिलाएं दुश्मनों पर तीखी नजर बनाए रखे हैं। मैं देश की बेटियों को संदेश देना चाहती हूँ कि मानसिक शारीरिक और आर्थिक रूप से मजबूत बने, अपनी जिम्मेदारी स्वयं ले, अपने आप को परिवार बच्चे और बेलन तक ही सीमित न रखे, जरूरत पड़ने पर बंदूक से दुश्मन का सामना करने के लिए भी तैयार रहे। अपने परिवार परिजनों से दूर रहकर भारत माता की सुरक्षा अपने जीवन को समर्पित कर करने वाली ये महिलाएं जब भी अपने लक्ष्य की ओर बढ़ती हैं तो किसी भी बाधा विपत्ति उनके समक्ष टिक नहीं पाती। ड्यूटी के वक्त समस्याएं जैसे वेदर प्रॉब्लम हो गई, जंगली जानवर, थोड़ा जिग-जैग रास्ता है, लेकिन 11 महीने के कठिन प्रशिक्षण के दौरान इन सभी चुनौतियों का सामना करना सिखाया जाता है और उसके बाद ही हम लोग बॉर्डर पे डिप्लॉय होते हैं। मौजूदा वक्त में दुश्मनों के लिए बड़ी चुनौती और देश की एक बड़ी शक्ति है इन बेटियां। सर, सबसे पहले तो मैं आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, हमारे देश के प्रत्येक नागरिक को नव वर्ष की शुभकामनाएं देना चाहती हूं, क्योंकि मैं उन्हें ये बताना चाहती हूं कि देश की सीमा बॉर्डर पर तैनात प्रत्येक सीमा प्रहरी की तरफ से हार्दिक नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आत्मनिर्भर भारत की सुरक्षा में देश की बेटियां सरहद पर दिन रात एक कर
दुश्मनों पर नजर टिकाए बैठी हैं, ताकि किसी भी दुश्मन की नापाक इरादे सफल न होने पाए। यही नहीं, अपने कर्तव्य और फर्ज भली भांति निभाते हुए बीएसएफ महिला शाखा की जांबाज वीरांगनाएं मुश्किल परिस्थितियों में भी अपने शौर्य और पराक्रम के साथ सीमा पर तैनात हैं। देश के सरहदों पर खड़े यही बेटियां अपने परिवार ही नहीं अपितु पूरा देश का शोभा और गर्व बढ़ा रही हैं। सर, हमें यहाँ खड़ा रह के बहुत ही गर्व की भावना महसूस होती है, क्योंकि यही एक ऐसी चीज है जो हमें औरों से अलग बनाती है। सर, हमें बहुत अच्छी स्पेशल सी फीलिंग आती है। सर, घर परिवार तो हमारा ये भी एक घर परिवार ही है। प्रशिक्षण दिया जाता है 11 महीने का। उस प्रशिक्षण के दौरान हमें हर तरीके की गतिविधियों के लिए एक्टिव किया जाता है। वो प्रशिक्षण हमें इसीलिए दिया जाता है कि हम हर प्रकार की चुनौती का सामना कर सकें। ये एरिया के ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस एरिया में डिप्लॉय हैं और वहाँ किस तरह की इलीगल एक्टिविटीज हैं। उस तरीके से पहले हम एरिया को सर्च करते हैं, उसके बारे में पता करते हैं, फिर हमारी डे नॉमिनेशन, नाइट ड्यूटी, एसी, और उसके बाद मतलब व्हीकल पेट्रोलिंग होती है सर, और अम्बुस वगैरह लगते हैं। उस तरीके से हम उन गतिविधियों को रोकते हैं। पुलिस के लिए हमें सामना करना पड़ता है, इसके लिए भी हमें इसकी सिखलाई दी जाती है। हम जिस जगह डिप्लॉय किए जाते हैं, हमें उस जगह की भाषा का थोड़ा बहुत ज्ञान दिया जाता है। समाचार हम लेते हैं छोटा सा विराम। फर्निशिंग पॉइंट शिलंगपट्टी रोड शिलचर। फर्नीचारे जगते उत्तर पूर्वांचलের একমাত্র নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান ফার্নিশিং পয়েন্ট। অত্যন্ত কম খরচে ও সুলভ মূল্যে মজবুত টিকসই ফার্নিচার কিনতে হলে আজই পদার্পণ করুন ফার্নিশিং পয়েন্ট শিলংপট্টি শিলচর। এখানে আপনারা পাচ্ছেন বেডরুম সেট, সোফা সেট, প্রিমিয়াম চেয়ার, ফ্রিডম চেস্টার, স্মার্ট ফার্নিচার এবং রকমারি প্লাস্টিকের আইটেম। এছাড়াও নীলকমল, কার্লন, কসমো এবং বিভিন্ন কোম্পানির উন্নত মানের আসবাব এবং ফার্নিচার। উল্লেখযোগ্য হোলসেল শোরুম হচ্ছে রাধা মাধব রোড বিলপার ইন্দ্রপ্রস্থ হোটেলের পাশে, এবং রিটেল পয়েন্ট হচ্ছে শ্যামাপ্রসাদ রোড শিলংপট্টি শিলচর। দূরভাষ 03-842-261-660 এবং 943-507-2166। তাই উন্নত মানের ফার্নিচার কিনতে হলে আজই পদার্পণ করুন ফার্নিশিং পয়েন্ট শিলংপট্টি রোড শোরুম রাধা মাধব রোড বিলপার শিলচর। आंधी हो या तूफान, छोटा घर या मकान, ये दीवारों सब झेलता है, मजबूती से सालों चलता है। बराक वैली की नई पहचान, मजबूती का दूसरा नाम, वैली सीमेंट, वैली स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग।
सुबह की पहली किरण निकलते ही हम चल पड़े असम की उस शान की ओर जिसे हम चाय पत्ती कहते हैं। असम के नामचीन चाय में से एक जिसे सभी दिल से पसंद करते हैं। आड़े टेढ़े रास्ते, वो पंछियों की चहचहक और खूबसूरत वादियों से होकर आखिरकार हम पहुंचे असम विश्वविद्यालय में। वहां से करीब 5 किलोमीटर की दूरी तय करके हम पहुंचे रोस्कानी टी स्टेट पे। वहां पहुंचते ही एक अलग ही नजारा, एक अलग ही। हमने पूरा चाय का बगान देखा। हम पूरा दिन बगानों में घूमते रहे। कका गिरना, पानी की बूंद गिरते ही मिट्टी की वो खुशबू, आह। मैंने फट से गर्मा गर्म चाय बनाई और उसे पिलाया। दिया हो सर्दी, बस एक कप रोज कैंडी टी, हेल्दी भी टेस्टी भी। कछार जिला कलारापट्टू एसोसिएशन के कार्यकर्ताओं के उद्योग से आयोजित प्रशिक्षण शिविर तथा चयन शिविर में सिलचर के तामिमा चौधरी को मौका मिलने पर संगठन कार्यकर्ताओं में खुशी की माहौल है। सूत्र के अनुसार चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम्स में 2022 में आयोजित इस प्रतियोगिता में कछार जिले से कलारापट्टू एसोसिएशन के तामिमा चौधरी को राष्ट्रीय स्तर पर खेलने के मौका मिलने पर बहुत ही गर्व महसूस कर रहा है संगठन। एक पत्रकार सम्मेलन के जरिए संगठन के कार्यकर्ता तथा साधारण संपादक रामजी दास, सभापति सुदीप पाल ने विस्तारित तथ्य पत्रकारों के समक्ष उजागर किए। छात्र छात्राओं में काफी उत्साह की लहर इस सफलता को लेकर देखने को मिल रही है। अभिभावक, छात्र छात्रा व प्रशिक्षक तामिमा चौधरी की इस कामयाबी पर फूले नहीं समा रहे हैं। पहले से हम लोग जब फर्स्ट हम लोग ऑनलाइन में कंपटीशन हुआ था कैरियर फाइट का, तो ऐसे हम लोग बहुत सोचा है कि खेल इंडिया में जो हो ये ऑलरेडी इंक्लूडिंग है, तो इसमें तो हमें जाना ही है। इसके लिए हम बच्चों से, जितना भी बच्चे ऑनलाइन में पहले पार्टिसिपेट किया तो उसमें काफ़ी बच्चे का मेडल भी आए थे, और इस टाइम में हम लोग सोचा है हमें खेल इंडिया में जैसे तैसे जाना ही है। तो इसके लिए हमें बहुत मेहनत किया और बच्चे लोग ने बहुत मेरा साथ दिया है, तो बच्चे लोग भी बहुत मेहनत चाहते हैं कि मैंने उन लोगों को बहुत बोला है कि खेल इंडिया में हमें जैसे तैसे चांस मिलना चाहिए। फर्स्ट टाइम खेल इंडिया जो हो रहा है तो इसमें हमें लेना है। इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत किया और बच्चों को बहुत मेहनत कराया और प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी किया, इसके लिए सक्सेसफुल आ चुके हैं। सबसे पहले हम मेरा मास्टर जी रामदेव दास को धन्यवाद देना चाहता हूँ। धन्यवाद हम दीते हैं रामदेव दास सर, কারণ ওনার প্রচেষ্টা এবং উনি যে পরিশ্রম করে আমাদের যে টিমের, যে আমাদের যে স্টুডেন্টরা যে ট্রেনিং দিয়েছেন, সেই ক্ষেত্রে যে আজকে আসাম থেকে 150 জন খেলা, সেই যে 28 তারিখে গুয়াহাটি যে ট্রেনিং ক্যাম্প হয়েছিল সেখানে 10 জন সিলেকশন হয়েছে। 10 জনের মধ্যে আমাদের কাছার টিমের 1 জন পেয়েছে, যেখানে তৈমা চৌধুরী যে মেয়েটা আমাদের এখান থেকে পেয়েছে, আমাদের অনেক গর্ব এবং বরাবিলি পুরো আসামের গর্ব যে আমাদের বরাকবলি থেকে যে একজন চান্স পেয়েছে। সেই জন্য আমি রামদেব দাসকে ধন্যবাদ জানাবো, এবং ভবিষ্যতেও যাতে আরও আমাদের যে স্টুডেন্ট, আমাদের প্রায় 60 স্টুডেন্ট আছে, সেখান থেকে আশা করি আরও ভালো করে আমরা যদি ট্রেনিং দিতে পারি, ওদের থেকে খেলোয়াড়দের আরও চান্স পাবে ভবিষ্যতে। সেই ক্ষেত্রে এবং আমাদের গর্ব যে আমাদের এই টিম থেকে যে পেয়েছে, তাই আমি আমাদের টিমের সব যে কার্যকর্তা যারা আছে, আমাদের সেক্রেটারি, জয়েন্ট সেক্রেটারি যারা আছে, এবং বিশেষ করে আমাদের মাস্টার রামদেব দাসকে আমি ধন্যবাদ দিতে চাই। সাপোর্টিভ থে মাস্টার কে কারণ জিতনা হাম লোগোনে প্র্যাকটিস কিয়া, জিতনা মেহনত কিয়া, উস মেহনত কা রং হাম লোগো আজ মিল গিয়া। মুঝে বহুত আচ্ছা লাগ রাহা হ্যায় কি খেলো ইন্ডিয়া মে মেরা চান্স মুঝে মিলা, আর ইয়ে ভি বহুত গর্ব কি বাত হ্যায় কি মে পহলি বার কাচার সে পহলি বার কোই জা রাহা হ্যায়, কাচার কে লিয়ে বহুত বড়ি খুশখবরি হ্যায়। और मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ कि मैं इंडिया में असम को रिप्रेजेंट करूँगी और कचार को भी रिप्रेजेंट करने वाली हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मेरे जो टीममेट्स थे, मेरे पेरेंट्स, मेरे मास्टर, सब इतने सपोर्टिव हैं कि मुझे आज जो पैगाम मिला है बहुत मतलब। 2 जनवरी सिलचर के कछार हाई स्कूल रोड क्षेत्र में स्थित अशोक वर्मा जी के निवास स्थल पर बालार्थ प्रकाशन एवं हिंदी भाषी चाय जन समुदाय मंच के बैनर तले पुस्तक विमोचन समारोह आयोजित किया गया। इस समारोह में बराक घाटी के साहित्य सीजन से जुड़े हुए 4 लोगों को ठाकुर प्रसाद साहित्य स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। समारोह में मंचासीन थे आनंद शास्त्री,
परमेश्वर लाल कांवरा, डॉक्टर संतोष कुमार चक्रवर्ती, अवधेश सिंह, रवि नुनिया और हरि नारायण वर्मा। उदयशंकर गोस्वामी ने समारोह का अध्यक्षता किए, साथ ही प्रदीप प्रज्वलन त्रोस्त्र पाठ किया। अदिति वर्मा ने आनंद द्विवेदी भी इस कार्यक्रम में मौजूद थे। स्वागत भाषण में कंचन सिंह ने दिया जलाया और अपने वक्तव्य भी रखे, साथ ही सभा का उद्देश्य भी व्याख्या किया। अशोक वर्मा जी ने पूरे सभा का तथ्य उजागर करते हुए लोगों को जानकारी प्रदान किया। बालाघाटी के 1969 से अभी तक के 126 स्थानीय एवं अस्थायी रूप से बालाघाटी में आए हुए कवियों के द्वारा रचित बालार्क में प्रकाशित व अशोक वर्मा द्वारा संकलित कविता संग्रह जनपद की कविता का विमोचन कार्यक्रम आयोजित किया गया। तत्पश्चात समारोह में सम्मानित उमाकांत तिवारी, धूप नारायण कोयरी, सुरेश चंद्र द्विवेदी, बाबू नारायण कानू को मानपत्र पाठ किया। टीना वर्मा, कंचन सिंह, सीमा वर्मा और राजू वर्मा ने शॉल, मानपत्र और अनन्य उपहार प्रदान कर उन्हें सम्मानित भी किया गया। आनंद शास्त्री, परमेश्वर लाल कांवरा, उदयशंकर गोस्वामी और संतोष चतुर्वेदी व दूसरे हस्तियों की मौजूदगी में कार्यक्रम का समापन किया गया। गौरतलब है कि इस दिन के इस कार्यक्रम में बालार्क से प्रकाशित अशोक वर्मा द्वारा संकलित कविता संग्रह जनपद की कविता का अनुष्ठानिक तौर पर विमोचन भी किया गया। आयोजन को सफल बनाने में सहयोग किया अन्नपूर्णा वर्मा, नूर आमीन बख्श तथा उदयशंकर गोस्वामी व समारोह के संचालन में संगीता वर्मा भी मौजूद थी। इतिहास मिला हिंदी भाषी का, इसमें उन्होंने सब कलम से बंद किया है। और आज मैं चाहता हूँ ये किताब का एक कॉपी मैंने निकाल के लाया हूँ, ये 10 साल पहले का साल का मेहनत का किताब है। और मैं चाहता हूँ कि ये किताब आज इसीलिए लाया हूँ कि ये जो चाय जन समुदाय मंच है, इस मंच को ये किताब मैं आज देना चाहता हूँ ताकि उनके ऑफिस में उनके यहाँ ये बिजाग रहे। और इसके लिए मैं मंच में उसके जो सेक्रेटरी हैं कंचन सिंह, उनको मैं न्योता करूंगा कि आए हो और वर्मा जी के हाथ से इसको ग्रहण करें। इस बारे में मैं थोड़ा सा, इन्होंने जब उठाया है, मेरे पास काफी किताबें हैं, अगर आग्रह है आप लोगों को तो कृपया मेरे पास से ले जाइएगा, मीटिंग से खत्म होगा, मेरे पास है काफी किताब है। तो साल को मैंने बहुत दूर से भी, बहुत पहले से भी, बहुत नजदीक से भी देखा है। और इनके अंदर जो जो कुछ भी है इसका देन है। और जाते जाते यही कहूंगा अंग्रेजी में एक लाइन, ईसार अशोक वर्मा इज प्रॉपर्टी ऑफ आवर सोसाइटी। धन्यवाद। नाम हरीश कुमार कांबरा है। आज पहली बार मैं यहाँ पे बाघ प्रकाशन के कार्यक्रम में आया हूँ। मैंने अशोक जी वर्मा के बारे में पिताजी के मुंह से हमेशा सुना था, पापा हमेशा कहते थे कि हिंदी में उन्होंने काफी काम किया है, पर तो मेरी भी जिज्ञासा थी कि चलो एक बार मैं जाके मिलूं कि जिन्होंने हिंदी के लिए इतना अच्छा काम किया है। तो पिताजी आ रहे थे तो मैं आया, और अभी मेरे पहले जो आलोक जी ने अपना वक्तव्य रखा, एक बात बहुत उन्होंने इम्पोर्टेंट कही थी कि फाउंडेशन का बहुत बड़ा रोल होता है। तो आज हिंदी में फाउंडेशन तो इन्होंने बनाया है, अब हमारा एक दायित्व है। आज जब मैं पिताजी के साथ यहाँ आया हूँ, शायद अब मैं 40 की उम्र तक पहुंचने के बाद आया हूँ, तो मेरे साथ जो मेरे भाई हैं या मेरी उम्र है, जो हमारे बच्चे हैं, हम अगर ऐसे हिंदी के कार्यक्रमों में अगर हमारे परिवार के सदस्यों को और आगे से आगे लेके आए और उन्हें सही समय पर हिंदी का महत्व बताएं, तो आने वाले समय में हिंदी को आगे बढ़ाने में, जैसे वर्मा जी ने भी अपने वक्तव्य में कहा था कि हमारे यहाँ प्रतिभा की कमी नहीं है, जब नई सोच के साथ नए नौजवान नई पीढ़ी आगे आएगी तो हिंदी को बराक वैली में नहीं पूरे भारत में आगे ले जाएगी। अब मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, मैं मिजोरम सीआईटी वगैरह में काम करता हूँ, तो अब वहां के जो बच्चे हैं वो लोग जो बाहर पढ़ के आए हैं, आप जब उनसे हिंदी में बात करेंगे तो आप ये बोल ही नहीं पाएंगे कि वो लोग मिजो हैं, जबकि उनके वहां पे वो लोग मिजो छोड़ के कोई लैंग्वेज यूज नहीं करते हैं, और उनकी हिंदी इतनी अच्छी हो गई है। तो हिंदी हमारा भविष्य नहीं, पूरे भारत का भविष्य है, और अभी एकदम सही समय है कि हम नई पीढ़ी को और मौका दें। बहुत सारी हिंदी संस्थाएं हैं, चाहे वो बारह हिंदी साहित्य समिति हो, चाहे बारह हिंदी
जनगोष्ठी संस्थाएं हो और बाकी वर्मा जी जैसे नेतृत्व अगर सभी को मिले तो जरूर हम सबको आगे जा सकते हैं। भारत माता की। आप सबकी बराबरता में बस इतना ही। नमस्कार।